धन गिरिराज, जब तक आप परिक्रमा दे रहे हो, उम्र हमारी जवान थी, उस टाइम में जो गिरिराज जी की परिक्रमा लगती थी वो और ढंग से लगती थी, और अब कलयुग हो गया पूरा, अब परिक्रमा और हिसाब से लगती है कि अब तो कोई जो है जूता पहन के भी चल दे तो परिक्रमा दे आवे, चप्पल पहन के चल दे परिक्रमा दे आवे, नहीं तो कच्चू ना है तो यहाँ से 500-400 रुपये में फिरी चल गई है, उनमें बैठ जाते हैं, हो गई साहब खा गए परिक्रमा के, परिक्रमा दे आए फिरी में बैठ के जा रहे हैं। परिक्रमा किसका नाम है दादा? परिक्रमा किसका नाम है? तन पुल कत ब्रज सच में रोटत, मानस गंग में नहीं। गिरिराज जी की जो परिक्रमा की रज है, इस रज में अगर तुम्हारा शरीर घिसता है, चलते हो तुम इस रज के अंदर, तो ये रज तुमसे स्पर्श होने से तुम्हारा उद्धार हो जाए। हमारे भगवान स्वयं कृष्ण, उन्होंने उस रज को ग्रहण किया है, उस रज के लिए भगवान ने यह जूता चप्पल कभी नहीं पहना। तो ठाकुर जी ने एक ही बात कही, तो मुक्ति कहे पुकार के मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्त है जा। और यहाँ आकर के उन्होंने कीर्तन सुने, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कीर्तन कौन सा है? गौरांग महाप्रभु हुए, उन्होंने कहो कि देखो ऐसा है कि ये वेद मंत्र है, इससे तो आदमी पातक लग जाए, वो इसको करेंगे तो क्या करना चाहिए, उन्होंने इसको उल्टा कर दिया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। भाव कुभाव अन के आलसउ, नाम जपत मंगल जिस। वहाँ के कपाट अक्सर बंद रहते हैं, आप कभी यहाँ पे आए होंगे तो आपने केवल यहाँ पे कुसुम सरोवर के दर्शन किए होंगे बाहर से, और ज़्यादातर भक्तजन यही करते हैं, कुसुम सरोवर के दर्शन करके वो बाहर से ही चले जाते हैं। लेकिन यहीं पर कुसुम सरोवर के बिल्कुल बराबर में से ही कच्चा रास्ता जाता है, वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ और वो रास्ता दिखाता हूँ, और वो मंदिर के आज मैं आपको दर्शन कराता हूँ जहाँ पर कोई नहीं जा पाता है दर्शन के लिए। कुसुम सरोवर भगवान श्री कृष्ण संग श्री राधा रानी की एक बेहद सुंदर लीला स्थली। यहाँ पे आज हम आप सभी को जो दर्शन कराने वाले हैं, ऐसे दर्शन आपने शायद ही इससे पहले कुसुम सरोवर के किए होंगे। यात्रीगण यहाँ पे दर्शन करने आते जरूर हैं, लेकिन बाहर से दर्शन करके वे यहाँ से लौट जाते हैं। लेकिन आज हम आप सभी को जो दर्शन कराने वाले हैं वो है कुसुम सरोवर की अनटोल्ड स्टोरी। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, काफी टाइम से मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें दर्शन कराइए कुसुम सरोवर के। तो आज वृंदावन में मैं था आज पूरा दिन, और वृंदावन से आते हुए तो आज जिसे कहते हैं प्रभु की कृपा इस प्रकार हुई है कि आज मुझे यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला कुसुम सरोवर में और आपको दर्शन कराने का। इससे पहले मैं लास्ट वीक यहाँ पे आया था लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पाया, लेकिन पुनः आज प्रभु की कृपा से यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला, और यहाँ पे आते ही जो जिसे कहते हैं जो दर्शन हुए उसका आनंद तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब यहाँ पे संध्या के टाइम पर मैं पहुँचा, उस टाइम पर शाम का टाइम है और जो लाइटनिंग है यहाँ पे इतनी सुंदर में लाइटनिंग की गई है, यहाँ पे आते ही जिसे कहते हैं बहुत आनंद आया। और आज मैं आपको यहाँ पे यहाँ की कथा सुनाऊंगा। यहाँ पे हमने जैसे कहते हैं संपर्क किया है बन बिहारी जी के जो पुजारी जी हैं, उनसे संपर्क किया है, और आज वो मेरे साथ हैं और उनसे कथा जानेंगे यहाँ की कुसुम सरोवर की। तो एक बार उनसे कथा जानते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे के दर्शन कराऊंगा। राधे राधे। राधे राधे। यहाँ के बारे में आप हमें बताइएगा, कुसुम सरोवर का क्या महत्व है और यहाँ की क्या लीला है? जैसे आप सुने सुनकर रखे हैं कुसुम सरोवर, यहाँ पे वृंदावन गोवर्धन के तलहटी पर ये कुसुम सरोवर बहुत ही प्राचीन, राधा कुंड के पास ही ये गोवर्धन के तलहटी पर
ये कुसुम सरोवर, कुसुम सरोवर नाम क्यों पड़ा? यहाँ पे सबसे पहले राधा रानी बरसाना से अपने सखियों के साथ कुसुम वन में आते थे पुष्प तोड़ने के लिए। पुष्प का दूसरा नाम है कुसुम। फूल तोड़कर लेकर विशेषकर कार्तिक महीना में अपने घरों के सामने गोबर से वो लोग सांजी बनाते थे, उस सांजी में ये फूलों को सजाते थे। तो ये बात भगवान कृष्ण को पता चला। भगवान कृष्ण जो कि गोकुल नंदगांव में रहते हैं, तो वहाँ जब पता चला उनको, तो वो भी इस तरह का राधा रानी से अकेले में मिलने के लिए ये विचार किए। जब विचार किए, उनके ग्वाल सखा कृष्ण से कहते हैं, कान्हा आज बरसाना से राधा रानी अपने सखियों के साथ गोवर्धन के तलहटी पर कुसुम वन में फूल तोड़ने के लिए आ रहे। वो तो हमेशा हमें किसी तरह से हमें तंग करते हैं, चलो आज हम कुछ ऐसा कुछ करें उनको भी सबक सिखाएं। तो कृष्ण का कान्हा का मन में एक मौका मिल गया, सोच लिए कि चलो आज मैं ही इसका लाभ उठाता हूँ। तो ग्वाल वालों के साथ जाएंगे तो ये लीला का आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो सखाओं को बोले, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं, आप लोग जाओ। और ग्वालवाल सखा नंदगांव से गोवर्धन तक नहीं आ सकते। कान्हा के मन में ये हुआ, विचार आया कि अगर मैं सखाओं के साथ जाऊं तो इस लीला का आनंद मैं अकेले में उठा नहीं पाऊंगा। तो मन ही मन विचार करते हुए ग्वालवाल सखाओं को भेज दिए। तो इस प्रकार विचार आने के बाद कान्हा अपने आप को एक छद्म वेश में बनाए। छद्म वेश किस प्रकार, एक माली के रूप बनाए। माली क्या करता है, बगीचा में फूल के बगीचा में बगीचा को देखभाल करता, तो उसी प्रकार माली का रूप अपने मूछे दाढ़ी और सर पे गमछा बांध दिए। उसके बाद जो यहाँ पे रात्रि का नज़ारा है, मैं आपको लिटरली बताऊंगा, रियलिटी में मैं मन को भी जिसे कहते हैं लुभाने वाला यहाँ पे दर्शन है, अट्रैक्टिव है बहुत ज़्यादा। मन नहीं करता है आपको कहीं और देखने का, बहुत ही सुंदर। मैं आपको बता दूँ, उस टाइम पर मैं बैठा हूँ यहाँ पे और घाट पे, ये घाट है यहाँ पे कुसुम सरोवर पे। लाइटिंग बहुत ज़्यादा इशू था हमें, हम कितने टाइम से यहाँ पे सर्च कर रहे थे कि कहाँ पे हम वीडियो लें जिसमें बैकग्राउंड में भी हम यहाँ पे कुसुम सरोवर को, मतलब ये सरोवर है उसको भी ले पाएँ यहाँ पे जो स्थान को। तो हमने ये स्पॉट जिसे कहते हैं ढूंढा। यहाँ पे लाइटिंग बहुत सुंदर है, जो जिसका जिसे कहते हैं ना, ये इनका जो लाइट का थ्रो है वो यहाँ पे जा रहा है। ये वीडियो दो पार्टों में कंप्लीट होगी। ये तो आपने नाइट व्यू देखा है, मुझे यहाँ पे दोबारा विजिट करना पड़ेगा। आज तो कंप्लीट नहीं बन पाएगी, दोबारा मैं 2 या 3 दिन बाद यहाँ पे दोबारा विजिट करूँगा कंप्लीट वीडियो को करने के लिए। और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कंप्लीट होगी, तब मैं आपके साथ कंप्लीट वीडियो शेयर करूँगा। तो आप सबके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर भी किया करें, आगे भी और लेके आऊँगा स्थान भी। तो अभी चलते हैं यहाँ से, आगे के दर्शन में आपको आगे कराऊँगा वीडियो। यहीं से वीडियो हमने शुरू किया था एंड यहीं पर अभी फिलहाल आज के लिए यहाँ पे एंड कर रहा हूँ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे डे टाइम में, यह है नाइट टाइम, और यहीं पे आपको मैं नाइट टाइम के जैसे कहते हैं जो नाइट लाइटनिंग सुंदर की हुई है ना, उसके आपको दर्शन करा रहा हूँ। कुंड तो काफ़ी बड़ा है लेकिन अभी आपको विजिबल नहीं होगा क्योंकि रात हो गई है। डे टाइम में आपको अच्छे से दिखाऊंगा कुंड जैसे कहते हैं पूरी तरीके से, लेकिन अभी जो जहाँ के दर्शन आपको करने चाहिए, क्योंकि ये दर्शन आपको डे टाइम में नहीं मिलेंगे। जो लाइटनिंग है ना, इतनी सुंदर लाइटनिंग है, बहुत आपके मन को खींचती है, बहुत ही सुंदर। तो अभी की वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूं, क्योंकि आप सबके लिए दर्शन कराना आपको ये जिसे कहते हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको कंप्लीट दर्शन कराऊं। तो कंप्लीट वीडियो ये मेरे सेकंड विजिट में होगी, फर्स्ट विजिट में ये कंप्लीट नहीं हुई है अभी। हालांकि बहुत सुंदर दर्शन हो गए, लेकिन आप सबके लिए दर्शन कराने के लिए मुझे और यहाँ पे जो विग्रह हैं उनके भी दर्शन लेने ज़रूरी हैं। तो वो डे टाइम में आके और यहाँ पे डे टाइम में आपको कुंड के दर्शन करा के तब वो वीडियो कंप्लीट होगा। वैसे तो ये वीडियो जिसे कहते हैं आपके लिए, मेरे लिए तो 2-3 दिन मुझे लगेंगे यहाँ पे दोबारा विजिट करने में, लेकिन आपके लिए इसी वीडियो में आप दर्शन कर लेंगे। आपको बस यही कहूंगा कि प्लीज वीडियो को शेयर करना जरूर, क्योंकि ये वीडियो जिसे कहते हैं 2 पार्ट्स में रिकॉर्ड हो रहा है, तो बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं टाइम स्पेंड करना पड़ता है वीडियो शूट करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी को राधे राधे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आज से काफ़ी समय पहले मैंने यहाँ पे एक वीडियो शूट किया था जो आपने अभी देखा, और उस टाइम पर कुछ चीज़ें थी जो मैं उसमें कवर नहीं कर सका था। जैसे कि यहाँ पे एक मंदिर है उद्धव जी का, उस टाइम पर मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे, वहाँ के दर्शन मैं आपको नहीं करा सका। इस टाइम पर मैं हूँ
कुसुम सरोवर पे। आप सभी को यहाँ के दर्शन, यहाँ की कथा, आपने जो अभी यहाँ की कथा सुनी, यहाँ के जो दर्शन किए रात्रि के, आप सभी को मैंने कहा था कि मैं आपको यहाँ पे डे टाइम पर ज़रूर लाऊंगा और यहाँ के दर्शन अच्छे से कराऊंगा। जिसे कहते हैं यू नो डे टाइम में मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखाऊंगा। बहुत सुंदर, बहुत आनंदमय यहाँ के दर्शन हो रहे हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे एक उद्धव जी का मंदिर है, वहाँ पे आपको मैं दर्शन कराता हूँ। वहाँ के कपाट अक्सर बंद रहते हैं। आप कभी यहाँ पे आए होंगे तो आपने केवल यहाँ पे कुसुम सरोवर के दर्शन किए होंगे बाहर से, और ज़्यादातर भक्तजन यही करते हैं, कुसुम सरोवर के दर्शन करके यू नो वो बाहर से ही चले जाते हैं। लेकिन यहीं पर कुसुम सरोवर के बिल्कुल बराबर में से ही कच्चा रास्ता जाता है यहाँ पे उद्धव जी के मंदिर के लिए। वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ और वो रास्ता दिखाता हूँ और वो मंदिर के आज मैं आपको दर्शन कराता हूँ जहाँ पर कोई नहीं जा पाता है दर्शन के लिए। चलते पहले वहाँ की ओर, वहाँ की कथा सुनेंगे, फिर मैं आपको बाहर के दर्शन कराऊँगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ओपनली दिखाऊँगा, डे टाइम में आपको मैं दर्शन कराऊँगा किस तरीके से यहाँ पर आपको डे टाइम में दर्शन होते हैं। लेकिन पहले चलते हैं उद्धव जी के मंदिर की तरफ। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये पूरा स्थान उद्धव जी का मंदिर यहाँ पे कहलाता है। यहाँ के मंदिर की एंट्रेंस दो तरफ से है, एक यहाँ से भी आप जा सकते हो यहाँ के गेट से, और एक यहाँ से भी आप जा सकते हो जो यहाँ का मुख्य गेट है। जो मैंने आपको साइड से एंट्रेंस दिखाई थी वो ये द्वार था, जो कि आप यहां से भी अंदर मंदिर में प्रवेश कर सकते हो। साथ के साथ आप यहां से भी अंदर मंदिर में आ सकते हो। शुक्ला जी, राधे राधे जी। शुक्ला जी, यहाँ पे जो हमें दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर रूप में दर्शन हो रहे हैं प्रभु के, जो विग्रह हैं वो हमें जरूर बताएं कि उद्धव जी और ठाकुर जी और यहाँ पे जो हमें दर्शन हो रहे हैं वो किन किन स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं प्रभु के। ये तो आपके सामने श्री राधा कृष्ण जी के विग्रह हैं। बीच में जो हम दर्शन कर रहे हैं वो उद्धव जी हैं, उधर भगवान श्री कृष्ण के नाती बद्रीनाथ जी हैं। हाथ में देख रहे हैं ये क्या है शुक्ल जी? श्रीमद् भागवत, यानी कि भागवत का उद्धव जी भी व्याख्या कर रहे हैं उसकी जी। और यहाँ पे जो हम बराबर में और दर्शन कर रहे हैं ये श्री यमुना जी हैं। ये जो दोनों हाथ जिन्होंने खोले हुए हैं ये यमुना जी हैं जी, ये उनकी सेविका है, यमुना जी की सेविका जी।
नीचे जो हम दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे तस्वीर में, ये तो हमारे पुजारी जी है श्री उद्धव नारायण जी, उनके पिताजी और माताजी की छवि है। ये जगतगुरु कृपालु महाराज हैं। जगतगुरु कृपालु महाराज ये प्रभुपाद जी हैं। ये नीम करोली बाबा है। जैसे कि आपने जो अंदर दर्शन करे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा विग्रह था अंदर यहाँ पे उद्धव जी का, जिसे कहते हैं ना मन को लुभाने वाला और मन को मोहने वाला। अंदर दर्शन करते करते बाहर आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगा, यहाँ पे लाइट तो यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पे ना कुसुम सरोवर में बंदर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वायरिंग होती है वो सारी वायरिंग तोड़ देते हैं बंदर। यहाँ पे आपको जैसे कहते हैं लाइट, तो आपको यहाँ पे लाइट में ऐसा दर्शन नहीं होंगे, लेकिन जो प्राकृतिक दर्शन है ना, जो आनंद देते हैं जैसे कहते हैं मन को, वो वैसे दर्शन आपको यहाँ पे ज़रूर प्राप्त होंगे। प्रभु की कृपा से समीप जाने का सौभाग्य मिला। आज मेरे साथ यहाँ पे आपने दर्शन करे होंगे, हमारे साथ है टेक्निकल सर, जो आपने मोतीकुंड के कार्य में भी देखे हैं हमारे साथ में। ये सर हमारे साथ में थे, तो मैंने कहा सर आज हमें एक वीडियो कवर कर रही हैं, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, दर्शन भी करते हैं। तो आज सर भी आए मेरे साथ में, और हमारे साथ में हैं मुकेश शुक्ला जी। आपने देखे होंगे मुकेश शुक्ला जी, राधा कुंड पे हमने जिसे कहते हैं हमारे साथ है, इन्होंने काफ़ी सुंदर में वहाँ की कथा सुनाई थी। आज यहाँ पे जानेंगे यहाँ पे उद्धव जी पे क्या यहाँ की लीला है, और कुसुम सरोवर की क्या यहाँ पे महिमा है। राधे राधे शुक्ला जी। राधे राधे जी। शुक्ला जी, यहाँ के बारे में अपने श्रीमुख से तो हमें कथा बताइएगा अभी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो इतने सुंदर में यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं हमें, सबसे पहले तो उसकी व्याख्या कीजिएगा कि विग्रह कितना प्राचीन है ये। ये विग्रह हजारों वर्ष प्राचीन है। वैसे तो यहाँ उद्धव जी लता पता स्वरूप में विराजमान हैं, लेकिन भक्तों के लिए उन्होंने यहाँ पे मूर्ति रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं श्री उद्धव जी महाराज। यहाँ पर हमारे मित्र हैं श्री कन्हैया लाल शर्मा जी, उनकी पीढ़ियाँ कईयों पीढ़ियाँ यहाँ पे सेवा करती हुई आ रही हैं। तो करीब ये हजारों वर्ष प्राचीन विग्रह हैं। हजारों वर्ष प्राचीन विग्रह है, जो कि प्रतीत भी हो रहा है देखने से, बहुत एहसास है उसको, दिव्य एहसास हो रहा है अंदर दर्शन करने में। और यहाँ पे लाइट की एक बार पूछना चाहूंगा, यहाँ पे जैसे कि भक्त यहाँ पे आ नहीं पाते हैं, और लाइट की क्या परेशानी है, थोड़ा सा उसके बारे में व्याख्या करें। यहाँ लाइट की कई बार व्यवस्था की गई है, या तो ये कुछ ठाकुर जी का इच्छा नहीं है कि जो लाइट को यहाँ सफल नहीं होने देते हैं, कुछ यहाँ बंदरों का भी उत्पात है, इस कारण यहाँ लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती है। नहीं कर पाती है, कोई बात नहीं, जैसी प्रभु इच्छा, हम तो बस ये कहेंगे। पर दर्शन बहुत आनंदपूर्वक हो रहे हैं, और दर्शन होते रहे सभी भक्तों को, लेकिन यहाँ की कथा के बारे में आप हमें जरूर बताइएगा। यहाँ पे जब ठाकुर जी हमारे वैद्य धाम को छोड़ करके द्वारका चले गए थे, तो ठाकुर जी की विरह वेदना में समस्त ब्रज गोपियाँ असह दर्द से पीड़ित थीं, और उन व्याकुल थीं, और उनके लिए विलाप करती रहती थी, समस्त ब्रजवासी दुखी थे। ठाकुर जी के पास संदेश जाते रहते थे कि हे प्रभु, अब आप कब ब्रज में पुनः पधारोगे। ब्रज गोपियाँ कहती थी, संदेश भेजती थी कि हे प्रभु, हमारे प्राण अधर में लटके हैं, आप एक बार आ जाओ और आप हमारे प्राणों को ले लो और हमको मुक्त कर दो, लेकिन हम आपसे दूर नहीं रह सकते। तो ये जब संदेश ठाकुर जी को मिलते थे, तो उन्होंने अपने भ्राता श्री उद्धव जी को यहाँ ब्रज गोपियों को समझाने के लिए भेजा था, और श्री उद्धव जी को थोड़े ज्ञानवान थे, तो इसलिए उन्होंने सबसे उत्तम उन्हें समझ करके ठाकुर जी ने उन्हें ब्रज में ब्रज गोपियों को विरह वेदना से मुक्त करने के लिए भेजा था। तो उद्धव जी यहाँ ब्रज में आए, तो उनको देख करके समस्त ब्रज गोपियाँ, समस्त ब्रजवासी दौड़े चले आए, बोले द्वारका से ठाकुर जी आए हैं, ठाकुर जी आए हैं। क्योंकि वो ठाकुर जी के भ्राता थे, तो स्वरूप उनका भी ऐसा ही लगता था, रथ में आए थे, तो सब ब्रजवासी ने सोचा कि बोले हमारे ठाकुर जी आ गए। लेकिन जब निकट आके देखा तो लोग उद्धव जी थे, तब उद्धव जी ने उन सबको रोका, उनसे अपना वार्तालाप शुरू किया, और वो उन्हें अपना नाना प्रकार का ज्ञान देने लगे। लेकिन ब्रज गोपियों ने उनका ज्ञान ग्रहण करने की बजाय उन्हीं को चुनौती दी जाए, उद्धव जी से बोले तुम्हारा ये सब ज्ञान हमारे लिए निरर्थक है, हमें बगैर बिना ठाकुर जी के कुछ भी मंजूर नहीं है, या तो हमें ठाकुर जी प्राप्त हों या ठाकुर जी हमारे प्राण ले लें, हमको यही चाहिए और इससे अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने उद्धव जी ने उनको नाना प्रकार का ज्ञान प्रदान किया, तो ब्रज गोपियों ने उनसे कहा, जिस प्रकार हमने निश्चल निष्पकट निष्कपट प्रेम ठाकुर जी से किया है, इस प्रकार तुम करते तो तुम जानते कि ये प्रेम की विरह वेदना क्या होती है। तो उद्धव जी ने फिर उनके ब्रज गोपियों के ही
विरह वेदना को स्वीकार किया और वो और उन्होंने कहा मैं आप जैसा प्रेम नहीं कर पाया और न कर पाऊंगा, आप सब लोग महान हैं, मैं आपको कोट कोट नमन करता हूं और मैं आपके प्रेम को स्वीकार करता हूं और अब मैं भी आपके साथ यहीं ब्रज में ही रहूंगा। तो फिर उसके बाद उद्धव जी लौट करके यहां से वापस नहीं गए, तो उन्होंने ठाकुर जी की तपस्या की, उनसे अपने लिए यहाँ स्थान मांगा, तो ठाकुर जी ने उन्हें यहाँ पे लता पता स्वरूप में स्थान प्रदान किया। यहाँ उद्धव जी लता पता स्वरूप में विराजमान हैं। आज भी यहाँ पत्ती तोड़ना भी अपराध माना जाता है, किसी वृक्ष का एक पत्ती तोड़ना भी एक महान अपराध कृत्य है। शुक्ला जी, एक भागवत में वाक्य और आता है, वो कहानी है कि भाई जब प्रभु जी अपने धाम को चले गए थे तो यहाँ की जो उनकी रानियां थी 16108, उनकी वेदनों को उन्होंने उद्धव जी ने कैसे शांत करा था? जब ठाकुर जी अपने श्री धाम चले गए तो उनकी जो 16108 रानियां थी, उनके पौत्र थे, वो सब उनके विरह में व्याकुल हो गए। तो वो सब वहाँ पे व्याकुल रहने लगे तो वहाँ उनको संतों ने सुझाव दिया, बोले आप ब्रजधाम जाइए और यमुना जी से मिलिए, यमुना जी आपकी विरह वेदना को शांत करेंगे। तो वो सब द्वारका को छोड़ करके मथुरा यमुना जी के पास आए, उन्होंने यमुना जी की प्रार्थना की, यमुना जी प्रकट हुई और उन्होंने उनसे कहा बोल आप सब लोग मिलकर के कुसुम सरोवर पे जाइए, वहाँ उद्धव जी विराजमान है, उनकी प्रार्थना कीजिए, वो आपको ठाकुर जी से साक्षात्कार कराएंगे। सब महारानियाँ 16108 रानियाँ ठाकुर जी की और उनके नाती पौत्र सब यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ ठाकुर जी उद्धव जी लता पता स्वरूप में विराजमान थे तो उन्हें किसी को नजर नहीं आए, तो उन सब ने यहाँ पर एक साथ स्तुति की है ठाकुर जी के लिए, प्रार्थना की है उद्धव जी की। उद्धव जी यहाँ प्रकट हुए हैं, उनसे पूछा है बोल क्या बात है, तो उन्होंने बताया बोल ठाकुर जी चले गए, उनके बगैर हम किस प्रकार रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो उन्होंने उद्धव जी ने कहा बोल आप सब लोग श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कीजिए, उससे आपको आत्म शांति प्राप्त होगी। तो उन्होंने कहा बोला हमें तो आप ही श्रवण कराइए। तो उद्धव जी ने यहाँ पर एक माह ठाकुर सबको श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया है, श्री कृष्ण जी से सबकी आत्मा का साक्षात्कार कराया है। और जब यहाँ श्री कृष्ण उपस्थित हुए हैं अपने स्वरूप में, तो जो भी उनकी रानियाँ थी सब उनकी आत्मा श्री ठाकुर जी में समाहित हो गई है। और यहाँ का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में आता है, स्कंद पुराण में आता है और बारहा पुराण में आता है। तो जो यहाँ पे हमें जो दर्शन हो रहे हैं वो तो आनंद आपने कथा यहाँ पर पूर्वक बताई, लेकिन जो ये आपने आखिर में जो हमें बताया जो भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ थी जी। तो वो प्रभु यहाँ पे अपने धाम जाने के बाद यहाँ पे पुनः प्रकट हुए थे बाद में तो उनकी जो रानियाँ थी वो उनके अंदर ही समा गई थी, उनके अंदर ही समा गई। तो ये द्वापर की बातें सारी, और जो यहाँ पे उद्धव जी ने एक माह यहाँ पे गोपियों को मतलब जो रानियां थी उनको भागवत का पाठ कराया जी। तो वो भागवत का चलन तभी से चालू हुआ या उससे पहले से? तभी से चालू हुआ है भागवत श्रीमद् भागवत का जी। तो बहुत ही आनंद पूर्वक यहाँ की कथा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही जिसे कहते हैं मन को लुभाने वाली यहाँ की कथा है। और जो यहाँ पे लता पता के बारे में आपने जिक्र किया तो उसके दर्शन कहाँ पे कैसे हैं आप हमें अगर वो भाई बताएंगे तो बहुत आनंद आएगा उसके। ये चारों तरफ जो वृक्ष हैं प्रभु जी ये सब लता पता स्वरूप में ही हैं, और ये हमें और आपको ये वृक्ष स्वरूप में नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तो हर तपस्वी संत महात्मा जो तपस्या करते हैं वो सब जन्म मांगते हैं ब्रज में मांगते हैं, और ब्रजवासी भी बोलते हैं चाहे मुझे ब्रज को बोर बनाइयो, चाहे बंदर बनाइयो, चाहे वृक्ष बनाइयो, पर मुझे जन्म ब्रज में ही दियो। तो ये सब वो हैं, तो ये सब ठाकुर जी स्वरूप हैं, लता पता स्वरूप हैं, और ये किस स्वरूप में है, किस आत्मा में, ये तो ठाकुर जी ही जानते हैं। बहुत ही सुंदर आपने यहाँ पे कथा सुनाई शुक्ला जी। अब जैसे आपने यहाँ के दर्शन कराए, एक बार हमें जैसे कहते अपने श्रीमुख से यहाँ के कुसुम सरोवर का जो महत्व है उसके बारे में बताना, लेकिन वो हम आपसे वहीं जाके सुनेंगे। यहाँ के सुंदर में दर्शन हुए। अब एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे कपाट वैसे बंद ही रहते हैं अक्सर भक्तों, जैसे कभी जब भक्त आते हैं तब ये कपाट खुलते हैं, तो उनको दर्शन किस प्रकार यहाँ पे होंगे, समय यहाँ का आप बताएं तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे ठाकुर जी की मंगला आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, ग्वाल आरती, संध्या आरती, श्रृंगार आरती, ठाकुर जी की सभी सेवाएं यथावत जारी हैं।
भक्तों की न होने के कारण प्रजाजी महाराज अपना थोड़ा पास में ही निकट में उनका आवास है, वो आराम के लिए चले जाते हैं। कोई भी भक्त अगर यहाँ आता है, वो यहाँ दर्शन करना चाहता है, तो कुसुम सरोवर के ठीक सामने उनका घर है, आवास है पुजारी जी का, उनका नाम है श्री उद्धव नारायण जी। किसी से भी यहाँ आप पूछेंगे कि श्री उद्धव नारायण जी का घर कौन सा है, हर व्यक्ति आपको बता देगा। वहाँ उनसे आप निवेदन करें, वो आपको यहाँ आकर के दर्शन करा देंगे। अगर संपर्क, अगर जैसे कहते हैं संभव हुआ, तो उनसे भी हम एक बार भेंट करवाएंगे सभी भक्तों की, ताकि अगर कोई भविष्य में भक्त यहाँ पे दर्शन के लिए आता है तो उनको परेशानी ना हो, यहाँ पे आपको सरलतापूर्वक दर्शन हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस प्रकार की यहाँ पे शांति, यहाँ पे आनंद आया ना दर्शन करके मुझे, मैं ये चाहूँगा कि दर्शन का लाभ, ये आनंद, ये शांति आप सबको भी मिले। कभी भी आप भविष्य में यहाँ पे आएँ दर्शन करने के लिए, यहाँ पे आप ज़रूर आएँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे आपको मैं, जिसे कहते हैं, उनसे भी मिलवाऊं, और अगर संभव हुआ तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं शेयर करूंगा, ताकि कभी आप डायरेक्ट यहां पे आना चाहे तो यहां पे आप आके दर्शन कर सकते हैं उनको कॉन्टैक्ट करके। अब मैं आपको लेके चलता हूं कुसुम सरोवर पे, हमारे साथ मुकेश जी हैं, तो उनके श्रीमुख से भी हम यहाँ की कथा सुनेंगे। तो चलते हैं वहाँ की ओर और आपको आगे के दर्शन में आगे कराऊंगा। तो जैसे कि अभी आपको मैंने यहाँ पे दर्शन कराए, तो मुझे अभी शुक्ला जी ने बताया यहाँ पे कि कभी भी आप भविष्य में दर्शन करने आते हैं कुसुम सरोवर में, तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं, तो जो यहाँ पे दो मुख्य द्वार है, एक मैंने आपको दिखाया था, एक है उस तरफ में और एक है उस तरफ में, तो ये जो द्वार हैं ये पूरा दिन खुले रहते हैं। कभी भी आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे आके आप दर्शन कर सकते हैं, भले अगर इस प्रकार का यहाँ पे कपाट लगा हुआ हो, यहाँ पे ताला लगा हुआ होता है तो दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन वो दर्शन किस प्रकार करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। वो दर्शन इस प्रकार करते हैं, क्योंकि जहाँ से आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जाली से भक्तजन यहाँ पे देखते हैं, तो उनको सरलतापूर्वक दर्शन हो जाते हैं ठाकुर जी के, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कैमरे में। आपको शायद ना क्लियर हो दिखे, लेकिन अगर आप स्वयं आएंगे तो आप अच्छे से दर्शन यहाँ पे भी कर पाएंगे इस तरीके से। ये आपको मैं जो दिखा रहा हूँ सामने, ये मंदिर के बारे में जो शिलालेख में लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हो, और पूरे इसमें व्याख्या की गई है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। ये सामने जो हम प्रांगण देख रहे हैं, ये क्या चीज है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएंगे आप हमें? ये यहाँ पे प्रभु जी प्राचीन समय पे यहाँ पर महारास होता था, जो 84 कोस की जो ब्रज यात्रा होती थी, तो यात्रा यहीं पे आके पड़ाव डालती थी, 24 घंटे का यहाँ पड़ाव होता था, और उन सब भक्तों के लिए यहाँ पे महारास का आयोजन किया जाता था। इस स्थान पे जो हम सामने देख रहे हैं, इसको रास चबूतरा बोलते हैं, रास चबूतरा। तो आज भी वैसा महाराज किया जाता है, कभी यात्राएं जब आती हैं, यात्राएं आती है तब भी किया जाता है, किया जाता है। और यहाँ में यहाँ हम छोटी सी एक बगीची देख रहे हैं, तो ये अपना उद्धव जी की बगीची है। जी, उद्धव जी की सेवा के लिए आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा साथ के साथ। जैसे ही मैं मंदिर में प्रवेश किया था मैंने, तब बहुत ही अट्रैक्टिव था ये, कि बहुत सुंदर में आप देखेंगे बनाया हुआ इसको, और उद्धव जी की ये जैसे कि कहते हैं बगीची है ये। शुक्ला जी बता रहे हैं कि ये जैसे कहते हैं जितना भी कवर अप किया गया है बंदरों की वजह से किया गया, क्योंकि यहाँ पे बंदर काफ़ी है। और यहाँ पे जो हम ये शिला देख रहे हैं, ये कितनी प्राचीन होगी ये शुक्ला जी? ये भी हजारों वर्ष प्राचीन है प्रभु जी, हमने इनको इसी प्रकार देखा है, इनका महात्म नहीं जान पाए, नहीं पता चल पाया आपको, लेकिन यहाँ माना जाता है ये सब देवता स्वरूप है यहाँ पर। यहाँ पे जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे रात्रि के दर्शन कराए थे, अगर आपको याद होगा, आपने देखा भी होगा, रात्रि में जो यहाँ पे लाइटिंग होती है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव होती है, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है कि मन आपका यहाँ से जाने का नहीं करता, यहाँ पे शांतिपूर्वक एक जिसे कहते हैं ना निहारने का मन करता है कुसुम सरोवर को। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको डे टाइम के भी दर्शन कराऊंगा, जो यहाँ की लीला वो भी आपको मैं बताऊंगा। यहाँ की कथा के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा, और कुसुम सरोवर कितना प्राचीन है इसके बारे में आप हमें बताइएगा। ये ठाकुर जी के समय का ही है प्रभु जी, ये बंद था, यहाँ पे नाना प्रकार के फूलों के पेड़ थे,
तो यहाँ पे राधा रानी अपनी सखियों के साथ आती थी और यहाँ से पुष्प चुनती थी। कुसुम का अर्थ फूल होता है, पुष्प होता है, इसीलिए इसे कुसुम वन सरोवर कहा जाता है। और यहाँ से राधा रानी ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए नाना प्रकार के फूल लेके जाती थी और उन्हीं से ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता था। कालांतर में यहाँ पे जो है देख रेख के अभाव में ये जंगल हो गया, फिर ये पौधे पेड़ पौधे का स्वरूप बदल गया। उसके बाद में ये हमारे भरतपुर के राजा हुए थे सूरजमल जी जवाहर सिंह, तो उन्होंने दिल्ली पे मुगलों का शासन था, दिल्ली पे चढ़ाई की थी तो उन्होंने दिल्ली को जीत लिया था, मुगलों को परास्त किया था। तो वहाँ पे जितना भी धन दौलत था वो सब वहाँ से लेके वो आ गए यहाँ पे। तो भरतपुर जाने से पहले वो रास्ते में ये ब्रज आता है, ब्रज में आते ही वो यहाँ आकर के ब्राह्मण से बोले, बोले हे विप्रो मैं वहाँ से धन लेके आया हूँ, आप मुझे पूजा कराइए, मुझसे जो भी पाप अपराध हुआ है उसे मुझे उससे क्षमा करवाइए और भेंट में ये धन लीजिए। तो यहाँ पे समस्त विप्रों ने एक स्वर से राजा सूरजमल से बोल दिया कि बोले हे राजा महाराज हम आपको पूजा करा देंगे लेकिन इस लूटे हुए धन को हम स्वीकार नहीं करेंगे। राजा बोला ऐसा क्यों, इसलिए मैं आपको खुशी से दे रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करिए। सब विप्र बोले नहीं, ये लूटा हुआ धन है, ये हमारी बुद्धि और विवेक को विकृत कर देगा, इसलिए इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो तब उस समय पर फिर राजा जी ने निर्णय लिया कि जब इतने विप्र ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो मैं इस धन को ले जाके क्या करूँगा, तो इसको मैं यहाँ ब्रज में ही लगा देता हूँ। तो उन्होंने फिर यहाँ पे इस कुसुम सरोवर का निर्माण कराया है, ये छतरियाँ बनाई हैं, ये सब राजा सूरजमल जी की ही ओर से ये सब बनाई गई हैं और जो भी खजाना शेष बचा था उसे उन्होंने यहीं पे नीचे दबा दिया था। तो ये जो हम छतरियाँ देख रहे हैं, जो यहाँ पे नव मतलब ये निर्माण देख रहे हैं, ये कितने वर्ष पहले की बात है? ये देखो ये स्थल तो ठाकुर जी के समय का है, सरोवर भी ठाकुर जी के समय की है और ये जो राजा सूरजमल जी हुए थे करीब 300-400 वर्ष पहले हुए थे, उन्होंने ही इन कुंडों का और ये छतरियों का निर्माण कराया है। शुक्ला जी एक चीज हमें और बताइएगा आप कि जो हम यहाँ पे कुंड देख रहे हैं ये कितना गहरा होगा लगभग? ये प्रभु जी ये कुंड लगभग 50-60 फीट गहरा है और मेरी 50 वर्ष की उम्र है, मैंने इसे कभी खाली होते हुए नहीं देखा है। इसमें इसके अंदर प्राकृतिक स्रोत है, उसमें से इनमें जल आता है। जल आता है यानी कि कम से कम इस जल में एक विशेषता है कि इस जल में कभी काई नहीं लगती है। ये हम देख भी पा रहे हैं जो कि दूर दूर तक हमें यहाँ पे सच में ये चीज देखने को नहीं मिल रही है, यहाँ स्रोतों से ही आता है नीचे से जल, तो कभी यहाँ पे भरा नहीं जाता इसको। नहीं भरना है, भरा नहीं जाता, बहते कहीं जैसे बरसात में इधर उधर से पानी इकट्ठा हो जाए वो आ जाए वो चीज एक अलग है, बहते स्पेशल विशेष तौर पर इसके लिए जल की नहीं भरा जाता, नहीं भरा जाता है। ये जो आप छतरियाँ देख रहे हैं प्रभु जी ये तीन श्रेणी में है, ये आपको प्रथम श्रेणी का दिख रहा है, दो श्रेणियां इसके अंदर जल में है। यानी कि जो हम ये देख रहे हैं सामने जो छतरियां देख रहे हैं ये तीन मंजिला हैं। जी तीन मंजिला हैं। यानी कि 40-50 सीढ़ियां हैं नीचे तक 40-50 सीढ़ियां हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा साथ के साथ में जो आप ये देख रहे हो, ये जो बुर्ज है ये तीन मंजिला है, ये नीचे आप ये देख रहे हो तीन मंजिला है जो कि दो मंजिल जो है नीचे जल के अंदर है। मैं सही कह रहा हूँ शुक्ला जी, जल के अंदर है? हाँ, दो मंजिल इसके जल के अंदर है। जल के अंदर है तो यहाँ पे कभी जल नीचे तक गया है यहाँ पे जैसे कि नीचे? नहीं कभी खाली नहीं देखा, कभी खाली नहीं देखा। दूसरी मंजिल तक तो पहुँच जाता है लेकिन तीसरी मंजिल तक नहीं पहुँच, नीचे तक नहीं जा पाता। तो बहुत आनंद आया शुक्ला जी आपसे कथा सुन के और उद्धव जी के भी दर्शन करके। मैं आपको बताना भी चाहूंगा जो आपने उद्धव जी के दर्शन करे हैं, ये आपको कुसुम सरोवर दिख रहा है सामने, कभी भी हम यहाँ पे दर्शन करने आए तो वहीं पर आपको वो रास्ता जा रहा है कच्चा रास्ता, तो वहाँ पे भी आप जाके दर्शन ईजिली कर सकते हैं। शुक्ला जी आनंद पूर्वक यहाँ की आपने कथा सुनाई, बहुत आनंद आया यहाँ पे कथा सुन के। राधे राधे शुक्ला जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि मैं उद्धव जी के जो मुख्य पुजारी जी हैं उनसे आपकी जरूर एक बार भेंट कराऊंगा, ताकि कभी भक्त कभी आप भविष्य में आते हैं कुसुम सरोवर पर दर्शन करने तो आप वहाँ पे उद्धव जी के मंदिर में भी दर्शन करने जा सके सरलता पूर्वक। मैं महाराज जी जो वहाँ पे महाराज जी है मंदिर में उनके घर में आया हूँ, तो उनसे हमने बोला कि वो आपको भी दर्शन दे और आपको भी यहाँ की कथा वो अपने श्रीमुख से सुनाए, तो आगे जानते हैं उनसे और मंदिर का जो टाइमिंग है कैसे आप उनसे संपर्क कर सकते हो वो सब आपको आगे पता चलेगा। एक बार मैं बात करता हूँ। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आप भक्तगण यहाँ पर पधारे हैं, ये बड़ी एक अलौकिक जगह है,
सबसे प्रथम जगह तो ये है कि आपने जो सात कोसल गिरिराज जी हैं गोवर्धन के निकट यानी गोवर्धन पर्वत के दर्शन कुसुम सरोवर से ही शुरू हुए हैं। वो इधर जो है गोवर्धन साइड में पूछनी साइड में इधर आपको गिरिराज जी के दर्शन होंगे, यहाँ से राधा कुंड तक आपको गिरिराज जी के दर्शन नहीं मिलेंगे। क्यों कि उस जमाने में थे तो गिरिराज जी के लिए उनका श्राप लगा हुआ है ऋषि का कि तुम एक एक तक जमीन में चले जाओगे तो यहाँ पर वे अलोप हो चुके हैं। तो यहीं पर ये है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर किसको कहते हैं? श्रीमती भागवत में यहाँ का प्रमाण आया है, आशा महो चरण रेण दिशा महल श्याम वृंदावनम किमपि गुल्म लतौ च धीना गोवर्धनाद दूरेणम बिंदानम सखी स्थले प्रवृत्ताम कुसुमाम भूदौ कृष्ण संकीर्तन उत्सव। ये भागवत के श्लोक है कहाँ के? कुसुम सरोवर। अब मैं आपको इसकी हिंदी की व्याख्या बताता हूँ कि कुसुम जो है कुसुम शब्द के दो अर्थ। कुसुम कहते हैं किसको? फूल को। तो इसमें कमल के फूल होते थे, ये कुसुम सरोवर कमल के फूल। और कुसुम जो है फूल को भी कहते हैं कुसुम। और ये जो है हृदय जो है अपना श्री ठाकुर जी का हृदय स्थल है। तो यहाँ श्री राधा रानी गोपियों के मन में हुआ एक दफे कि हमारे लिए ठाकुर जी का अधिक सन्निधि प्राप्ति नहीं है तो क्या करना चाहिए? भाई ऐसा गौरी की पूजा करते हैं। तो सबने गौरी की पूजा करी तो गौरी ने प्रकट है के कही कि देखो आप जो है कात्यायनी पूजा करो, ब्रज की जो अधिष्ठाता देवी है वो कात्यायनी है तो आप कात्यायनी पूजा करो, उनकी कृपा से आपको ठाकुर जी की सन्निधि अधिक प्राप्त होगी। तो पूजा कहाँ करी जाए? तो वहां जहाँ फूल हो फल हो। कुसुम सरोवर यहाँ फूल थे, गिरिराज जी पे नाना प्रकार के फल थे। तो यहाँ श्री राधिका जी गोपियों के संग में आती थी, फूल तोड़ करके रज की कात्यायनी बना करके और उनका श्रृंगार करती थी। और फिर अपना मनोरथ जो था वो उनसे प्रार्थना करते। तो ठाकुर जी उनका मनोरथ पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया कि माली का रूप धारण किया, माली बन गए। कैसे माली बने? बड़ी बड़ी मूछ बनाई, पगड़ी बांधी, फेंट बांधी, बंसी को डुबका दिया, हाथ में लाठी ले ली। जब वो यह सखियां फूल तोड़ रही थी तो आप आगे बोले अरे तुम कौन हो रही फुलवा बीनन हारी, ये तो बगीचा मेरा, ये फूल मेरे, मैं इनकी रखवाली करता हूँ देखभाल करता हूँ, तुम यहाँ से फूल तोड़ रही हो, मुझसे नहीं पूछा। अच्छा तुम चोरी कर रही हो, चोर का क्या दंड होता है? लाठी दिखा करके बोले चोर का क्या दंड होता है? वो भी घबरा गए बेचारी की कौन आ गया, हमारी लाज राजनीति से कहने आए, ये ऐसा कौन माली है जो ऐसे कह रहा है। तो गोपी घबरा के फूलों के मन में दुबक गई, राधिका जी खड़ी थी उनकी झोली में फूल थे, वो जमीन में गिर गए। जैसे ही वो फूल उठाने को झुकी नीचे और माली को देख रही थी कि कुछ कहे ना, तो जैसे झुकी तो क्या देखती है कि या पीछे बंसी झुकी है। उन्होंने पहचान लिया हमारा ठाकुर हमसे विनोद कर रहे हैं, तो तुरंत बोली अरे बनमाली देखो ये फूल गिर गए, इन्हें कुसुम सरोवर में धो करके लाओ। तो इसका नाम हो गया क्या?
सुमन सरोवर। कुसुम सरोवर और सुमन सरोवर। सुमन सरोवर, सुमन सरोवर, सुमन, सुमन माने कुल, सुमन सुमन अच्छा मन को प्रादुर्भाव, ठाकुर जी का प्रादुर्भाव देने वाला, ठाकुर जी की सन्निधि में ले जाने वाला मन, ये सुमन सरोवर। तो ये सुमन सरोवर यहाँ पर यानी कि अरे माली ये फूल गिर गए, इन्हें उठाओ, जब उन्हें मालूम पड़ गई कि बंसी जी गई तो उन्हें फूल उठाने की झुकी, जब देख रही है कि माली जो है बंसी तो की हुई है, तो पहचान लिया तो बोली बनमाली, नाम रख दिया क्या बनमाली, बनमाली देखो ये फूल गिर गए इन्हें उठाओ, कुसुम सरोवर में ढोकर के लाओ, और सब तकियो आ जाओ, अपने अपने फूल लिया, हमने पहचान लिया कितना बड़ा माली आया, सब सखी अपनी फूल ले आई, ठाकुर जी सर हो गए, ठाकुर जी ने समझ लिया कि मेरी चोरी पकड़ी गई, अब इनसे कुछ कह नहीं सकता, तो ठाकुर जी ने फिर प्रार्थना करी, श्री जी आज मेरा मनोरथ है कि मैं आपको ही श्रृंगार या फूलों से करूँ। तो यहाँ पर बैठ करके फूलों से नक्षिक से श्रृंगार किया ठाकुर जी ने, राजघाट ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी ने आकर के गांधर्व विवाह का यहाँ प्रस्ताव रखा, तो यहाँ श्रृंगार हुआ, यहाँ से भांडीर बन जाओ अपना जाओगे, तो भांडीर बन में जाकर के उनका विवाह संपन्न, ये कुसुम सरोवर की उद्धव जी, जब भगवान अपने धाम को जाने लगे तो उद्धव जी ने कहा कि मुझको भी आप अपने साथ लेकर के चलो प्रभु, मैं यहाँ एक लोग कान्हा जाऊंगा क्या करूँगा, तो उद्धव जी के ठाकुर जी बोले देखो अभी तुम्हारी आवश्यकता है, मेरे चले जाने से ये ब्रिज जो है, ये जगह द्वारका जो है, ये सतपुंज में है जाएंगी, द्वारका समुद्र में चली जाएगी, और ये यहाँ से जो मेरी पत्नियां हैं अर्जुन, तो मेरी पत्नी को लेकर के मथुरा जी चले जाओ, और मथुरा में मेरा ग्रैंड सन बजना जो किसी के पोते थे वो मथुरा के राजा है, वहां ले जाओगी, वहां सुरक्षित रहेंगी, तो अर्जुन उनको लेकर के यहाँ आ गया, द्वारका समुद्र में चली गई, ठाकुर जी धाम को चले गए, तो 16,000 रानी जो है वो हर समय रूठी रहती थी भगवान के लिए होंगे, एक दिन यमुना जी के पास में गई और यमुना जी से कहो आप बड़े आनंद से रह रही हो, हमें बिरह दशा से मार, तो यमुना जी ने प्रकट रह के कहो देखो मुझे इसी राजकाज की चरण सेवा प्राप्त है, जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है, भेद नहीं है, तो हमको कैसे प्राप्त हो, भाई तुम मेरे संग में चलो, कुसुम सरोवर पर चलते हैं और कुसुम सरोवर पर जाकर के वहाँ जो है कृष्ण की गुणगान करेंगे, तो वहाँ जो है हमें उद्धव जी प्राप्त हो, क्यों कि वहाँ उद्धव जी गुण में लटाओ तो दीना गुण में लटा रूप में उद्धव जी वहाँ विराज रहे, क्यों विराज रहे कि गोपियों की चरण की रज मेरे मस्तक पर गिरती रहे तो मैं कृतार्थ है, तो यहाँ उद्धव जी लता के रूप में यहाँ विराज रहे थे, 16,000 रानी आई, बजनाम आया, परीक्षित आया, अर्जुन आए, और यहाँ आकर के उन्होंने कीर्तन सुने, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कीर्तन कौन सा है, ये कीर्तन ये वेद का मंत्र है, वेद के मंत्र को आप बिना शुद्ध हुए नहीं कह सकते, गौरांग महाप्रभु हुए उन्होंने कहो कि देखो ऐसा है कि ये वेद मंत्र है, इससे तो आदमी पाचक लग जाए, वो इसको करेंगे तो क्या करना चाहिए, उन्होंने इसको उल्टा कर दिया, उन्होंने क्या किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भाव को भाव अनके आलस नाम जपत मंगल जिस, यानी ये तो नाम का जप है, इसको चाहे जैसा चाहे जब कर सकते हो, इससे कुछ तुमको पाचक नहीं लगेगा, तो यहाँ पर उन्होंने कीर्तन उत्सव शुरू किया, उद्धव जी जो है यहाँ से गुणवत्ता में से प्रकट हुए तो उनसे सब ने प्रार्थना करी कि हमें तो ठाकुर जी का विरह सता रहा है, उद्धव जी ने कही ठीक है मैं एक मास पर्यंत श्रीमद भागवत के द्वारा और तुम्हें पुनः कृष्ण की प्राप्ति कराऊंगो, लेकिन कलयुग आ चुका है, परीक्षित तू कनी दमन करने को जा, परीक्षित बोला नाच मैं वंचित रह जाऊंगा, यहाँ इमृत मिलेगा मेरे लिए कैसे प्राप्त होगा, उद्धव जी ने की नहीं असली अधिकारी तो तू ही है, मैं यहाँ एक महीने भागवत करूंगा, तेरा समय आने पर
तुझे ठाकुर की किताब थी 7 दिन नहीं मेरे पास। तो वो यहाँ से कली रमन करने को गए, गौरू की पृथ्वी मिली, आगे भागवत जाती है। तो वो जो है, और यहाँ उद्धव जी ने 1 मार्च पर्यंत श्रीमद भागवत करके कृष्ण को विमान आयो, और 16,000 रानी जो है कृष्ण के विमान में बैठ करके और कृष्ण के साथ चली गई। उनका जो पार्थिव शरीर था उसके लिए अर्जुन ले गया प्रभास क्षेत्र में जाकर के उनको गलत। ये कुसुम सरोवर की और उद्धव जी की यहाँ पर प्राकृतिक लीला है। आज भी यहाँ पर बड़े बड़े महात्मा आए, यहाँ उन्होंने भजन किया। एक पुरुषत ब्रह्मचारी थे, उन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू को सामने जो है खड़े हुए तो उसको हरा दिया, आप बन गए, फिर उन्होंने छोड़ दिया उसको। एक देवरिया बाबा है, देवरा बाबा, वो यहाँ पर रहे अपने मंदिर में, देवरा बाबा रहे। एक यहाँ पर नारायण स्वामी हुए हैं, उनको कई बार 150 साल मेरे पिता ने उनको देखा, मैंने नहीं देखा। वो जो है पहले करीब मेरी 85 साल की उम्र है और मैंने उनको नहीं देखा। तो यहाँ पर प्रगट भये पंजाब में सारस्वत ध्वज वंश, नारायण ब्रज रस मगन, सार हंस जिमी हंस। ये नारायण स्वामी का पद है। तो नारायण स्वामी यहाँ पर वृंदावन आए, वृंदावन से यहाँ आए, यहाँ आकर के उन्होंने 40 साल ब्रजवास किया। तो यहाँ उनको यहाँ एक कुब्जा थी, उनकी शिष्या सालवर में रास कराती थी। तो उन्होंने जो है देखा कि वह रास में जो है साक्षात उनको ठाकुर जी के दर्शन हुए, तो वो एकदम उठे और करके हे कृष्ण कहते हुए, एक डूंगर का पेड़ था, डूंगर तीनों से गए बता दी, डूंगर का पेड़ था, डूंगर पेड़ से जाकर तीनों करके निपट गए, हे कृष्ण तक छोड़ दिए डूंगर अपना। वही कहते हैं जिसको मोती भी कहा जाता है, मोती भी कहा जाता है उस डूंगर को, पीलू को। बिल्कुल। तो वो जो है यहाँ पर उन्होंने सही छोड़ दिया, तो उन्होंने यहाँ निवास किया। यहाँ पर बड़े बड़े महात्मा यहाँ निवास कर पाते हुए, उन्होंने भी यहाँ निवास किया था। यहाँ पुराने पुराने महात्मा या राधे राधे बाबा भाई चंद जी को, राधे राधे बाबा, वो भी जो है बहुत बड़े संत थे। वो अपना शरीर ही बदल देते थे, शरीर बदल देते थे। कितने वर्ष पूर्व की ये ज्यादा नहीं हुए, ये तो मैंने ऐसी 60-65 साल पहले, 60-65 साल पहले बस। मेरे मैंने देखा था उनको, मैं उनका शिष्य हूँ। अच्छा। वो जो है यहाँ वो रात में भजन करते थे और मैं उनके पास में रहता था, तो वो बदल करके रात में जैसे आप रहते थे उनके साथ में अपने जो आपके गुरु जी थे, तो सुबह शरीर मतलब क्या दोबारा अपन नहीं उबह नहीं, यानी वो रहते थे यहाँ पर तो उनके लिए ठाकुर जी श्री राधिका जी की सिद्धि प्राप्त थी, इसलिए उनको राधे राधे बाबा कहते। वो भजन करते 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 उनका शरीर बदल जाता, तभी तो सर्फ के रूप में हो गया। आप एकदम अचानक रात में उठने के लिए साफ प्रवान कर देंगे, हम डर गए तो गए खाए। इस तरीके से हमने एक दो सर उनका शरीर देखा, आपने भी देखा? हाँ मैंने देखा, वो बदल जाते कितना उन्होंने, तो वो राधे राधे बाबा यहाँ बड़े बड़े ऋषि यहाँ पर कर चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि गिरिराज जी की जो वो है आज के समय में जो कंदरा है, जो गिरिराज जी कृपा करते हैं, वो ठीक उद्धव जी से ही शुरू होता है। इधर गिरिराज जी आपको नहीं मिले, यानी कि हम जो आगे की तरफ बढ़ेंगे अपना, आज इधर गिरिराज जी नहीं है, इधर गिरिराज जी नहीं है, और आगे होगा उस समय में होगा, आज की तारीख में गिरिराज जी आपको या खोदने से भी नहीं मिले, या अगर खुदाई करो बोरिंग करो गिरिराज जी नहीं, पानी जी नहीं मिलेंगे।
तो यानी कि उद्धव जी से बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ेंगे, इधर के राज्य, आगे के राज्य। भरतपुर में पहले यहाँ तक जयपुर राज रहता, तो एक सिंचनी के जाट से उन्होंने बड़े प्रतापी हुए, बहुत प्रतापी हुए, तो उन्होंने लड़ करके जयपुर से और एक छोटा सा राज्य भरतपुर बना दिया। इसमें जो है बदन सिंह राजा हुए थे, बदन सिंह ने उसको छोटा सा राज्य भरतपुर बनाया, उनका लड़का सूरजमल हुआ। सूरजमल जो है उसमें हाथियों जैसा बल था, जैसे हाथी में बल होता है इस तरीके से उसमें बल था। तो सूरजमल ने क्या किया कि दिल्ली पे चढ़ाई कर दी, मुसलमान बादशाह था तो वहाँ उसने चढ़ाई करी और दिल्ली पे लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, लेकिन उसमें वो वहाँ दिल्ली में मारे गए। तो उनका लड़का था जवाहर सिंह, जवाहर सिंह भी बहुत बलवान था, उसने तुरंत कमान संभाली और संभाल करके चढ़ाई करी और किला तोड़ दिया। यहाँ से डीग लठावन गांव है, वहाँ पर जो है पुराना जो किला है वो वहाँ बना हुआ है राजा का, और वहीं पर एक लखा बुर्ज, लखा तोप थी एक वहाँ रखी हुई थी, वो सिर्फ एक ही दफे चली है, वो वहाँ से चली और उसका गोला ठीक दिल्ली के किले में जा कर के गिरा। फिर यहाँ क्या हालत हो गई, यहाँ स्त्रियों के गर्भ गिर गए, पक्षी मर गए, इतनी उसकी आवाज से ऐसी स्थिति आई। तो यहाँ से वहाँ जो है फिर जवाहर सिंह वहाँ घुस गया और बादशाह को कैद कर लिया, वहाँ से संपत्ति उसने उठाई, राज्य नहीं लिया, संपत्ति उठाई, भरतपुर भेजी। भरतपुर राजा जो तीन रानी थी उनकी, तीनों रानियों ने कह दिया भाई देखो ये मुसलमान की संपत्ति है, हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, क्या करना चाहिए, मैं इस संपत्ति को हमारा इष्ट गोवर्धन गिरिराज है वहाँ जा करके सूर्यवन के नाम से वहाँ उनकी यादगार बनाओ और वहीं पर जो है संपत्ति को लगा दो। तो उन्होंने कुसुम सरोवर पहले कच्चा था तो इसको बड़ा किया, उड़ाव करके इसको जो है पक्का बनाया और अपने पिता की यादगार में ये सामने ये छत्रियाँ राजा सूर्यवन की और तीन रानियों की बना दी। उस राजा का जो है बराबर कोने में चबूतरा है, वो ढका हुआ है, झाड़ी हो गई है, लेकिन वहाँ एक चबूतरा बना है जमा, ये यहाँ की एक सरोवर की पक्के होने की है। कि गोवर्धन गिरिराज जब तक आप परिक्रमा दे रहे हो, तो परिक्रमा हम जब उम्र हमारी जवान थी उस टाइम में जो गिरिराज जी की परिक्रमा लगती थी वो और ढंग से लगती थी, और अब कलयुग हो गया पूरा, अब परिक्रमा और हिसाब से लगती है। अब कहते लगे कि अब तो कोई जो है जूता पहन के भी चल दे तो परिक्रमा दे आवे, चप्पल पहन के चल दे परिक्रमा दे आवे, नहीं तो कच्चू ना है तो यहाँ से 500-400 रुपया में सीढ़ी चल गई है, उनमें बैठ जाते हैं, हो गई साहब खा गए परिक्रमा दे आए, सीढ़ी में बैठ के जा रहे हैं। लेकिन तन पुल कट ब्रज रज में लौटत मानसी गंग में नहीं है। परिक्रमा किसका नाम है दादा, परिक्रमा किसका नाम है? तन पुल कट ब्रज रज में लौटत मानसी गंग में नहीं, आई समझ ना। परिक्रमा का महत्व यानी जब यहाँ की जो रज है, गिरिराज जी की जो परिक्रमा की रज है, इस रज में अगर तुम्हारा शरीर घिसता है, चलते हो तुम इस रज के अंदर, तो ये रज तुमसे स्पर्श होने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा इस रज से, क्योंकि इसमें बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी इस रज के अंदर आज भी लक्ष्मी अलक्ष्मी यहाँ पर जो है परिक्रमा देते हैं, उनकी चरणों की रज। हमारे भगवान स्वयं कृष्ण उन्होंने उस रज को ग्रहण किया है, उस रज के लिए भगवान ने यह जूता चप्पल कभी नहीं पहना। गौ चराई सब जगह ठाकुर जी गए, लेकिन वो काली तो कमली रखी, मोर का मुकुट रखा, मोर पंख का मुकुट नहीं पहना, यहाँ मुकुट मोर पंख का मुकुट रखा और काली कमली रखी और पैरों में जूता चप्पल पहना।
यहाँ ब्रज में क्यों चले? किस ब्रजरज का महत्व है? ब्रजरज में क्या है? मुक्ति कहे पुकार के, मेरी मुक्ति बताए। वो कह रही है, हे ठाकुर जी, मैं दुनिया को मुक्ति देती हूँ और मेरे से भावों को मैं तारती हूँ, आपके चरणों में पहुंचाती हूँ, लेकिन ऐसा भी चरण चीज मैं कैसे आपके चरणों का स्पर्श करूँ, मैं कैसे पहुंचूं? तो ठाकुर जी ने एक ही बात कही, तो मुक्ति कहे पुकार के, मेरी मुक्ति बताए। और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्त है जा, यानी मुक्ति तू अगर ब्रज की रज अपने मस्तक पर लगा देगी तो तू मुक्त हो जाएगी। तू दुनिया को देती है लेकिन तू तुझे ब्रज की रज मुक्ति देगी। आज इस ब्रज की रज में ये गिरिराज जी की तैरती में वो ताकत है जो कि इस रज से स्पष्ट होने से आज वो नारद जी यहाँ कथा बहुत लंबी हो जाएगी। सही बात, और बहुत आनंद पूर्वक आपने यहाँ की कथा सुनाई, बहुत आनंद आया आपके श्रीमुख से जान के। और मैं तो जिसे कहते हैं बहुत, मैं एक चीज बताऊंगा आप सभी को, जो यहाँ पे महाराज जी से मेरी हमारी भेंट हुई है और इन्होंने जो बताया इनके जो गुरुजी थे आपके, कि वो इतने जिसे कहते हैं ना, आज के समय में ऐसे संतों के दर्शन प्राप्त होना सरलता पूर्वक की बात नहीं है। कि गुरुजी ने बताया कि आपके राधे 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 बाबा जी थे, वो जो भजन करते करते राधा राधा नाम करते हुए उनका शरीर बदल जाया करता था। कभी वो सर्प की आकृति में आ जाते थे और कभी सिंह की आकृति में आ जाया करते थे। तो इस प्रकार की अनुभूति, बहुत आनंद आया महाराज जी आपसे जिसे कहते हैं भेंट करके। और आज महाराज जी के साथ ही हम बैठे हैं, हमारे साथ सर भी हैं जिसे कहते हैं हमारे, और शुक्ला जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। शुक्ला जी, आपको राधे राधे। बहुत आनंद पूर्वक आपने कथा सुनाई और आपने हमें महाराज जी से भेंट कराया, बहुत आनंद आया महाराज जी आपसे मिलके, आपसे भेंट करके और कथा सुन के। राधे राधे महाराज जी। यहाँ के दर्शन करके एक तो बहुत आनंद आता है जब भी मैं आया हूँ यहाँ पे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आज आया हूँ जिसे कहते हैं आप सभी को दर्शन कराने के लिए। इससे पहले मैं 2 या 3 बार पहले आ चुका हूँ कुसुम सरोवर में, लेकिन उस टाइम पर वीडियो शूट नहीं कर पाया। कुछ प्रभु की जिसे कहते हैं मर्जी ऐसी थी कि मैं यहाँ पे नहीं कर पाया। आपको जो सबसे पहले जो दर्शन हुए, मैं पहले एक शूट कर चुका हूँ यहाँ पे और वो जिसे कहते हैं अनकम्प्लीट शूट रहा है मेरा। तो वहाँ पे मैंने आप सभी को कहा था कि मैं दोबारा से शूट करूँगा यहाँ की वीडियो, डिटेल में कवर करूँगा सारे स्थान। यहाँ पे जो मंदिर था उद्धव जी का, इससे पहले जो यहाँ पे हमारे साथ में हरि भक्त थे यहाँ पे, उन्होंने भी काफ़ी सुंदर में यहाँ की कथा सुनाई और बहुत आनंद आया था उस टाइम पर भी दर्शन करके। रात्रि का जो आनंद है वो एक अलग आनंद है, दिव्य आनंद है, उसका जिसे कहते हैं मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकता। यहाँ पे जो हमने उद्धव जी के दर्शन करे मंदिर में अंदर जो दर्शन हुए और जो मैंने आपको दर्शन कराए मंदिर के अंदर, रास्ता भी मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार आप यहाँ पे आप जा सकते हो। बहुत जिसे कहते हैं ना, कम भक्त है जो वहाँ पे पहुँच पाते हैं। आपसे बस मैं यही कहूँगा, कभी भी यहाँ पे आप आते हैं कुसुम सरोवर में, वहाँ के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। बेहद बहुत ही सुंदर और बहुत ही मन को लुभाने वाले दर्शन वहाँ पे प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आपने जाना यहाँ की कथा के बारे में, उद्धव जी की कथा के बारे में। मुकेश शुक्ला जी हमारे साथ थे, आज पुनः उनसे जैसे कहते संपर्क किया हमने कि हमें आज दर्शन कराइए। तो आज उनसे आपने भी जाना और हमने भी जाना कि आनंद पूर्वक यहाँ पे कथा हमने सुनी। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहे। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को कुसुम सरोवर से राधे राधे। राधे राधे मुकेश शुक्ला जी। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे।
राधे राधे आप सभी को। आज हम पुनः यहाँ पे आए हैं क्या चीज कवर करने के लिए, आपको ऊपर से दर्शन कराने के लिए सामने की तरफ कुंड के। आज जिसे कहते हैं ना, ये चौथा पांचवा दिन है मुझे यहाँ पे शूट करते हुए। आज क्या कवर करने आए, ये कपाट जो थे कल ये बंद थे, आज हम मॉर्निंग में कहीं दूर एक शूट के लिए जा रहे थे, तो जिसे कहते हैं कुसुम सरोवर से होते हुए जा रहे थे, देखा कि कपाट खुले हुए हैं, तो जल्दी हम यहाँ पे आए हैं आप सबको आगे दर्शन कराने के लिए। चलते हैं ऊपर की तरफ। मैं आप सभी को मैं बताऊंगा, आज हमारे साथ में है डालचंद जी, जो यहाँ की जिसे कहते हैं आप सिक्योरिटी बेसिस पे यहाँ पे हैं, यानी कि आप यहाँ पे रख रखाव में ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे जो समाधि स्थल है उनके बारे में आप हमें बताइएगा। जिस समय आप खड़े हो, ये महाराजा सूर्यमल के नाम से है, उन्हीं की छत्री है, अंदर उनकी चरण पादुका है, पेंटिंग है जो आपको देखने को मिलेगी। उसकी तरफ इधर देखेंगे आप राधा कुंड साइड में, इधर लक्ष्मी के नाम से है, उनकी तीन पत्नियाँ थी महाराजा सूर्यमल की, जो राधा कुंड साइड में है वो लक्ष्मी के नाम से है। गोवर्धन साइड में आप देखेंगे किशोरी हंसिया के नाम से। गोवर्धन साइड में जैसे कि हम सामने जो देख पा रहे हैं, ये किशोरी हंसिया जी, ये दो रानियां यहाँ पे हैं, यानी कि जो गोवर्धन की साइड में है, और जो राधा कुंड की तरफ में है वो है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी तो बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे ये जो हम दर्शन कर रहे हैं, ये कितना मतलब लगभग पहले के दर्शन है यहाँ पे? लगभग 1700 कुछ ईस्वी में बना है, सामने शिलालेख लिखा हुआ है, उस पर इसकी डेट लिखी हुई है। लगभग मान लीजिए आप 350 वर्ष इसको मान लीजिए, 350 वर्ष पुराना। तो बहुत आनंद आया है यहाँ पे दर्शन करके और अंदर भी दर्शन करके। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सारे दरवाजे हैं, अगर ये सारे दरवाजे खोल दिए जाएं तो ये एरिया इतना एरी हो जाएगा। इनफैक्ट अभी बंद दरवाजे हैं, लेकिन जितनी जालियां आप देख रहे हैं इनसे इतनी अच्छी हवा आ रही है, इतना ठंडा यहाँ पे फील हो रहा है, मतलब बहुत पीसफुल यहाँ का वातावरण है। और आप ऊपर देखेंगे बहुत ही सुंदर एक विशाल छतरी यहाँ पे बनी हुई है, एक जिसे कहते हैं जो यहाँ पे रूफ है, इतनी सुंदर यहाँ पे डिजाइनिंग बनाई हुई है, आप फील करेंगे इसको, देखिए। के अंदर से कि ये तीन दरवाजे हर तरफ बने हुए हैं, सामने की तरफ आपने देखा तीन दरवाजे उस तरफ थे, तीन दरवाजे इस तरफ हैं, और यहाँ की परिक्रमा भी बनी हुई है, और आप देखेंगे जगह जगह बहुत ही सुंदर ये भी छतरी बनी हुई है। ये एक तरीके के पूरा वन है पीछे, यहाँ से आप देखेंगे पूरा आपको वन दिखेगा बैक साइड में। और जो ये ऊपर रूफ है ना, इसको कितनी सुंदर तरीके से हमें बनाया गया, ये इस तरीके से बनी हुई है कि ये आर्क बनी हुई है, और ये जो रूफ है इसको इतना सुंदर डिज़ाइन बनाया हुआ है। बाहर से जो हम देखते हैं ना विशाल जो हमें छतरी के दर्शन होते हैं, एक अंदर से एक आर्क के रूप में आपको दिखेगी, आप फील करो उसको, देखो कि पूरा राउंडेड है ऊपर से। और यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि यहाँ पर भी बैक साइड में तीन द्वार है, बहुत अंदर का जो है एटमोसफेयर बहुत एयरी है,
वो एरी इसलिए है, जितने भी आप ये जालियां देख रहे हैं इनसे काफी अच्छा थ्रो जा रहा है अंदर, और अगर ये दरवाजे सारे जब खोल दिए जाते होंगे तो अंदर तो बहुत ज्यादा एरी होता होगा। ये है कुसुम सरोवर का बैक साइड पूरा, जहाँ पे आपको छतरियाँ देखने को मिलेंगी इतनी सारी, और बहुत ही पीसफुल यहाँ का, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा पीसफुल है एटमॉस्फेयर यहाँ का। आपको इन छतरियों की तरफ भी मैं दिखाऊंगा जो राधा कुंड की तरफ में है छतरी, यानी कि जो लक्ष्मी रानी थी, और बहुत सुंदर छतरी बनी हुई है ये भी। लक्ष्मी जी की चरण पादुका जो राधा कुंड की तरफ बनी हुई है। इस चीज को फील किया जा सकता है, उस समय को यहाँ पे दर्शाया गया है कि जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमें यहाँ पे जो पर्सन थे सिक्योरिटी पर्सन, उन्होंने हमें बताया कि राजा सूरजमल जी की तीन रानियाँ थी, एक हंसिका और किशोरी जी, और तीसरी जो थी लक्ष्मी जी। तो जो राधा कुंड की तरफ हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे लक्ष्मी जी के जैसे अपने दर्शन करें। अब मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ जहाँ पे हंसिया और किशोरी जी की, ये भी एक यहाँ पे एक छतरी बनी हुई है उनके लिए, तो आगे आपको दिखाता हूँ, और बहुत अट्रैक्टिव है। एक हंसिया और एक किशोरी, यहाँ पर भी चित्रकलाएं बनी हैं, लेकिन वो अब थोड़ा सा समय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये थोड़ा सा ब्लरी आपको दिखेगा, लेकिन आकृतियां इसमें अभी भी हैं अगर आप ध्यान से इस चीज को फील करेंगे देखेंगे। Thank you.
वाला हूँ मैं। जो आप देख रहे हो इसमें बताया जाता है कि इसकी गहराई का अब तक अंदाजा नहीं लग पाया है। सामने आप देखेंगे वो स्नान कर रहे हैं आनंद पूर्वक, गर्मी इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और आप सभी को यहाँ पे दर्शन कराने के लिए मैं यहाँ पे पुनः आया आपको दिखाने के लिए। कितना आनंद आ रहा है वो मैं आपको नहीं बता सकता। अभी हमें एक शूट के लिए जाना है, वो शूट भी कवर करना है, तो ये वहाँ पर भी हमें जल्दी जाना है। बहुत आनंद आया यहाँ पे दर्शन करके। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द लेकर आऊँगा दूसरी वीडियो, नई वीडियो, अनसीन पे पूरी कोशिश करूँगा लेकर आऊँ आप सभी के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को राधे राधे।